वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी सुशील सोनी ने नामांकन भरने के बाद कहा कि अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 8 में लोगों की सुविधाओं के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर्षमय लोगों के लिए शहर में उपलब्ध रहकर लोगों की सेवा की जाएगी। मैं सुशील कुमार सोनी हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रहा हूँ। सुशील कुमार सोनी का ये है सपना, आदर्श वार्ड हो वार्ड नंबर 8 अपना। मैं सभी 8 नंबर के मतदाताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रहा हूँ और वार्ड नंबर 8 में जो भी जितने भी चाहे वो रास्तों का काम हो, लाइटों का काम हो, कोई वहाँ पे पार्क बनाना हो या जो बच्चों के लिए कोई और भी खेलने के जिम वगैरह बनाने हो और उसमें जो भी आज तक डेवलपमेंट नहीं हो वार्ड नंबर 8 जिससे महरूम रहा है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वार्ड नंबर 8 के निवासी जो हैं वो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। इसके मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं 24 घंटे लोगों को उपलब्ध रहूँगा। मैं मेरी जो अपनी ऑफिस है वो वार्ड नंबर 8 के बीच मध्य में स्थित है। लोग मुझे सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक मिल सकते हैं, शाम को भी जब मिलना चाहे मिल सकते हैं। मैं 24 घंटे हाजिर हूँ आपकी सेवा के लिए तन मन धन से। और दूसरी बात यह है कि मैं पूरी पारदर्शिता से ईमानदारी से काम करूँगा और नगर परिषद में भी जो जितने भी काम होते हैं उसमें ईमानदारी से काम होंगे। मेरा एक ही मोटो है, हॉनेस्टी, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी। थैंक यू।